वीडियो स्टार्ट है। ये बंद कैसे होता है? ओके अस्सलाम वालेकुम। तो ये है मेरा सबसे पहला Q&A मतलब क्वेश्चन एंड आंसर्स विद अली एंड पटाका। हेलो नाजरीन, मैं हूँ आपकी पटाका। तो आज की वीडियो में मैं और पटाका आपके पूछे हुए सवाल का जवाब देंगे। मैं तो आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आप सबको मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो कि किसी को नहीं पता, शायद किसी को नहीं पता। ठीक है नाजरीन, अब हम देखते हैं कि आपने मुझसे क्या क्या सवाल पूछे हैं। आर यू मैड पकाटा? क्या नहीं, मैं मैड नहीं हूँ। ये सवाल बहुत बुरा है। किसने रखा ये सवाल यहाँ पे? आगे चलते हैं। आर यू टेकन और नॉट? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, सवाल भी और जवाब भी है। तो इसका जवाब ये है कि मैं हूँ एक अकेला बंदा। आई एम सिंगल। यस। पटाका इस पकोड़ा? क्या पकोड़ा? ये सवाल किसने रखे हैं? मैं पकोड़ा नहीं, मैं पटाका हूँ। मैंने नहीं जवाब देने। आप लोग कितने फजूल सवाल पूछ रहे हैं। What is your profession? I am a lawyer. Lawyer मतलब के वकील, वकील मतलब के एडवोकेट, एडवोकेट मतलब के मेरे वर्ड्स खत्म हो गए। और इसके अलावा वीडियोस तो मैं बनाता हूँ जो कि मेरा शौक है, तो यू कैन से एक्टर इन लॉ अगर ये सेंस बनती है तो। नेक्स्ट। पटाका आपकी कितनी अजी है? अजी है? एज? एज हाँ, उम्र। पटाका आपकी एज कितनी है? वैसे तो मैं किसी को बताती नहीं अपनी उम्र, लेकिन अभी मैं सिर्फ 12 साल की हूँ। एक मिनट, 12 साल कुछ ज्यादा छोटा नहीं हो गया? मेरा मतलब अभी 16 साल की हूँ, मेरी स्वीट 16 भी होनी है। इन विच पीसी यू एडिट योर वीडियोस? ये सवाल मेरे से 1,09,599 बार पूछा गया है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर से अपनी वीडियो एडिट करते हैं, और मैंने 1,50,999 बार सबको बताया है कि मैं अडोब आफ्टर इफेक्ट्स से एडिटिंग करता हूँ। क्या नाम है? अडोब आफ्टर इफेक्ट्स। और ये सॉफ्टवेयर मोबाइल में नहीं होता, क्योंकि मुझे 10,999 लोग कहते हैं क्या ये मोबाइल में होता है। नहीं, ये मोबाइल में नहीं होता, ये सिर्फ कंप्यूटर में होता है। सीखना पड़ता है, बहुत मेहनत है। क्या बताऊं मैं अपनी दुखी दास्तान। अगले सवाल की तरफ चलते। वेयर आर यू फ्रॉम पटाका? ये तो इंग्लिश पूछी जा रही है सारे। आई फ्रॉम लाहौर, शाबजी होम। आई लिव इन शाबजी होम। यस। सड़े मेरी इंग्लिश से आप सब। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप पटाका का शूट एक साथ करते हैं या अलग अलग? मैं अलग अलग शूट करता हूँ। सबसे पहले जो अली के सारे डायलॉग्स हैं ना, वो मैंने लिखे होते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर। तो सबसे पहले जो अली के डायलॉग हैं मैं वो बोलता हूँ। उसके बाद पटाका के कपड़े पहनता हूँ, तो फिर पटाका के डायलॉग करता हूँ। मतलब बारी बारी एक प्रोसेस है। हाँ, कभी कभार ये होता है मैं कोई सीन भूल जाऊँ, तो मुझे फिर कपड़े चेंज करके दोबारा उसी जगह पे बैठ के कैमरा सेट करके वो डायलॉग बोलना पड़ता है। तो कभी कभार थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ओवरऑल अलग अलग ही करता हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि पटाका और मैं एक ही बंदा है ना। पटाखा ने सुना तो नहीं। आप सच्ची की पागल है या नकली की? पागल? मैं पागल नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बोलने की? नहीं, शाह जी मुझे डांटेंगे अगर मैंने फोन तोड़ दिया, और मेरी तनख्वाह भी काटेंगे। मैं पागल नहीं हूँ नाजरीन, नहीं हूँ मैं पागल। अगला सवाल पढ़ते हैं। आपको कौन सा कलर पसंद है? मुझे ब्लैक कलर पसंद। क्या बोलना, सॉरी गाइस, मैं कभी कभार करता हूँ। ये मेरे बिहाइंड द सीन में भी होता है, लेकिन इसमें भी मैंने ऐड कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ मुझे ब्लैक कलर पसंद है। काला सूट पाके जीतू, क्या था काला सूट वाला कौन सा गाना था? बिल्लो बग्गे बिल्लियां था की करेंगी। हाँ, काले जे लिबास दी शकीन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। दूर दूर जावे मेरी काली शर्ट तो, काले रंग तो नहीं। इतनी ब्राइटनेस करके मैंने चिट्टा किया अपने आप को, लाइटें शाइटें लगा के। आओ, क्या आप घर के काम करते थकती नहीं है? हाँ, मैं घर के इतने ज्यादा काम करती हूँ मैं थक जाती हूँ। मेरे शाह जी ना मेरे ऊपर बहुत जुल्म करते हैं। मेरे से बाथरूम साफ करवाते हैं, मेरे से सोफे साफ करवाते हैं, मेरे से जमीन साफ करवाते हैं, और मेरे से अपनी चड्डियाँ भी साफ कराते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे 1 लाख रुपया तनख्वाह जो मिलती है, और शाह जी को देखने का मौका। अच्छा, एक और सवाल जो कि लोगों ने मुझसे 1,09,099 बार पूछा है कि आपने गेम शो क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? ये सवाल क्या जवाब दूं मैं? तो इसका जो डायरेक्ट जवाब है वो ये है सबसे पहला कि मेरा कराची में कोई घर नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, और मतलब प्रॉपरली किसी को नहीं जानता मैं, तो वहाँ पे ना स्टे करने का मेरा बहुत ज़्यादा इशू था। सेकंड ऑफ ऑल खाना पीने का, सिंस आई एम अ वेजिटेरियन, आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन इस Q&A में अब आपको पता चल गया है कि अली रज़ा एक वेजिटेरियन है। मैं चिकन नहीं खाता, मैं वेज हूँ, तो वहाँ पे खाने का भी इशू मुझे हुआ था और ट्रैवल का भी ऑफकोर्स, आना जाना, तो उस वजह से मेरे लिए रहना एक अजाब हो गया था। और वैसे भी हमारी टीम लाइकर्स बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्म कर रही थी, वो इसलिए बेहतर ही था कि मैं आराम से पतली गली से निकल के वापस लाहौर आ जाऊँ। तो आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, लेकिन अब YouTube पे हूँ तो मैं चाहता हूँ सारा प्यार आप लोग यहाँ पे दें मुझे। फिर माई YouTube विल लव, दिल यहाँ से दिल आ रहा है, वहाँ से दिल आ रहा है, दिल 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 दिल, दिल पाकिस्तान। मैं गेम शो वाले गाने गाने लग गया हूँ। आगे चलते हैं। पताका, क्या तुम गेम शो में जाना चाहती हो? हाँ, मैं गेम शो में जाना चाहती हूँ। ओ मेरा दानिश तैमूर, लेकिन मेरे शाह जी बहुत बुरे हैं, वो मुझे यहाँ अकेला छोड़ के गेम शो में चले गए। उनको नहीं पता कि मैं दानिश के बगैर नहीं रह सकती। ओ मेरे दानिश तैमूर, तुम मेरे हो दानिश तैमूर, तुम मेरे हो। आपको बेकिंग कुकिंग सब आता है, मल्टी टैलेंटेड। यस, बेकिंग कुकिंग और भी चीज़ें आती हैं मुझे। बेकिंग ये है कि केक ही बनाता हूँ, और जब मैं केक बनाता हूँ तो किचन का जो हाल मैं करता हूँ ना, वो नाकाबिले बयान है, क्योंकि जो बर्तनों की इतनी लंबी लाइन में लगाता हूँ ना केक बनाते हुए, वो सिर्फ मेरी अम्मी जानती है। सॉरी। पटाका, शादी कब होगी? शादी? मैं तो कब से शादी करना चाहती हूँ, मैं तो पैदा ही शादी के लिए हुई थी, लेकिन मेरी जैसी कॉम वाली से शादी कौन करेगा? मुझे पता है मेरी जैसी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। लोगों को अमीर, हसीन और जवान लड़की चाहिए होती है, मैं वो नहीं हूँ। मैं बहुत ही दुखी क्यों एंड ए है। योर हॉबीज एक नहीं है, काफी ज्यादा है। तो मैं जब बचपन में इतना सा था, इतू सा नहीं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इतना सा था, मुझे शौक था ड्राइंग का, मतलब ड्राइंग्स बनाने का। तो मेरा फर्स्ट आ जाता है ड्राइंग, पेंटिंग और ड्राइंग। सेकंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, मतलब के गिफ्ट बॉक्स बनाना, किसी के लिए गिफ्ट कार्ड बनाना, ईद पे कार्ड्स बनाना। थर्ड एक्टिंग मेरी हॉबी है, एक्टिंग करना। नंबर फोर्थ एडिटिंग वीडियोस, मतलब एडिट करना, ग्राफिक डिजाइनिंग ना, तो इट कम्स फोर्थ। फिफ्थ यू कैन से वॉइस एक्टिंग, मुझे आवाजें निकालने का बहुत शौक है, मजेदार आवाजें। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा मतलब है वॉइस एक्टिंग करने का शौक है, जैसे कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये क्यों हो रहा है यहाँ पे, इतनी तेज रोशनियाँ क्यों है? अब तुम्हारी खैर नहीं हो। तो इस तरह की कुछ आवाजें। आपको कौन सा कलर पसंद है? कलर क्या होता है? अच्छा, रंग। आपको कौन सा रंग पसंद है? वैसे तो मुझे हरा रंग पसंद है, लेकिन ग्रीन मेरा फेवरेट है। पटाखा की वीडियो को बनाने का ख्याल कहाँ से आया? ये सवाल अच्छा है कि पटाखा कैसे आई। तो बात ये है कि बचपन से फिर से जब मैं इतना सा था, मैं इतने से बड़ा था, तो मैं क्या कहते हैं, यूट्यूब पे मैंने सबसे पहले देखा था राहिम परदेसी को। तो राहिम परदेसी इज़ माई इंस्पिरेशन, उसकी वीडियोस देखी मैंने। तो मतलब उससे पहले ही जब वो राहिम परदेसी आई थिंक 2016 में या 14 में आया था, 14 में, तो उससे पहले का ही मैं वीडियोस बना रहा हूँ। मैं 2009 या 10 से वीडियोस बना रहा हूँ गाइस, मतलब कभी यूट्यूब पे लगा दी, फेसबुक पे लगा दी। तो मतलब मुझे काफ़ी सालों से शौक था वीडियोज़ बनाने का, मैंने कभी गिव अप नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है कि टिकटॉक पे एज मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे मैं अपना टैलेंट दिखाऊँ, वो मैंने यूज़ किया। और यूट्यूब और मैं टीवी पे भी गया, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने कभी गिव अप नहीं किया। और इंशाल्लाह अभी और मेहनत मेरी जारी है ताकि मैं और आगे जाऊं। पटाका की मूछे क्यों है? हा? मेरी मूछे कहाँ से आ गई? मैं भी देख के आती हूँ। तो सवाल ये कि पटाखा बनने का ख्याल कैसे आया? तो बेसिकली यही था कि मैं एक दिन वीडियो, मतलब सोचा कि यूट्यूब वीडियो बनाऊँ मैं, उसके अंदर मैंने कहा एक काम वाली होनी चाहिए। विग शिप मेरे पास पड़ी थी, मैंने पहन के बना ली, तो उसका नाम भी मैंने रख दिया। उसके पहले ना एक्चुअली पटाखा का नाम मैं रख रहा था बॉम्ब, मतलब बम फट गया ना, बम, ये पटाखा का पहला नाम मैं रख रहा था, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने करके पटाखा रख दिया, जो कि ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो इस तरह मैंने फिर विग पहन के उसका कैरेक्टर बना के तो स्टार्ट कर दिया आपके सामने। आपने ये सॉन्ग कैसे बनाया? मैं हूँ पटाखा, शाब जी इफ यू रिप्लाइंग सिंग करके सुनाना, बिग फैन। बात ये है कि मैं जब से पैदा हुई हूँ ना, तब से मेरी आवाज बहुत सुरीली है। सारे लोग मेरी आवाज सुनते ही बेहोश हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बड़ी होके ना सिंगर बनूंगी। फिर जब मुझे मेरे शाहब जी मिले तो उनको देखते ही मेरे दिल में एक आवाज आई, ओ शाहब जी शाहब जी शाहब जी, मैं हूँ पताका आपकी नई काम वाली। मेरा गला खराब हो गया। आपके लाइफ का स्ट्रगल के बारे में कुछ बोलिए। लाइफ के स्ट्रगल के बारे में ये बड़ा ही गहरा, दुखी, सीरियस किस्म का सवाल है। कुछ इश्यूज थे फैमिली में बचपन से लेके, लाइक अभी भी हैं तो, लेकिन वो कम है लाइक इस वजह से क्योंकि फैमिलीज में इश्यूज होते हैं। तो लाइक बुली करना या फिर आपके कैरेक्टर को दबा के रखना कि आप ये नहीं कर सकते। घर से मुझे इस तरह के थ्रेट्स आते थे, ये पेरेंट्स से नहीं, पेरेंट्स के अलावा जो घर में लोग होते हैं ना उनसे मुझे आए। उस वजह से काफ़ी ज़्यादा मैं शाय रहा हूँ, मतलब शाय क्या, मेरे कोई दोस्त नेवर, आई नेवर मेड फ्रेंड्स स्कूल लाइफ में भी, और वैसे भी मेरे कोई दोस्त नहीं थे बचपन से लेकर। आई वॉज अकेला, ऑल अलोन, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे फैमिली मेम्बर्स जो मुझे प्रेशराइज करते थे। तो आगे खामोशी बेहतर है, आगे चलते हैं। पताका, क्या तुम्हें तुम्हारे शाहब जी अच्छे लगते हैं? प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। मेरे शाहब जी तो मेरी दुनिया है, अगर मेरे शाहब जी ना होते तो शायद मैं भी आज ना होती यहाँ पे। तो शाहब जी। आप कब से टिकटॉक बनाते हो? मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया 2018 में, और उससे पहले मैं यूट्यूब, फेसबुक और आई थिंक डबस्मैश या जो भी है, लाइक मैंने बताया 2010 से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो काफ़ी लोग आके बोलते हैं ये टिकटॉकर मुंह उठा के यूट्यूब पे आ गया, ये वो यूट्यूब का नाम खराब कर रहा है। एंड मैं उनको क्या बताऊँ कि टिकटॉक, यूट्यूब, मैं उस सबसे पहले मैं वैसी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ यार। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने वीडियोस बनाना शुरू इसीलिए किया क्योंकि जब मैं लाइक बचपन में पैदा हुआ था ना, मेरी अम्मी के पास कैमरा था तो वो मेरी हर एक वीडियो बनाती थी। लाइक मैं इतना सा लेके जब तक इतना बड़ा लाइक 13-14 साल का नहीं हो, तो अम्मी हमेशा मेरी वीडियो बनाती थी। तो जब वो वीडियो बनाती थी मैं वो देखता था। तो बचपन से लेके लाइक बड़े होते होते मैंने अपनी ही वीडियोस देखी, तो तब मुझे लाइक क्लिक हुआ कि मैं वीडियोस बनाऊं। सारे सवाल खत्म हो गए। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया इन सवालों का जवाब देके। एंड आई एम सॉरी कुछ सवाल मिस हो गए क्योंकि बहुत ज्यादा थे और मेरे जवाब आज बहुत ही ज्यादा लंबे थे। शुक्रिया नाज़रीन हमारी वीडियो देखने का। तो जल्दी से आप लोगों को पता है क्या करना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियो को भी वेट करें। तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।